आप गिरेंगे, हम गिरेंगे, हम खुद मर जाएंगे, हम क्या इलाज कराएंगे दूसरे को। तो यार सुबह के बज रहे हैं 5 और आज का सफर है फॉरबिसगंज टू मधेपुरा। तो यार फिर एक नया दिन और फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। फटाफट जाते हैं, बाइक को अच्छे से क्लीन करते हैं, फिर निकलते हैं। तो दोस्तों निकल चुके हैं घर से मधेपुरा की तरफ। पेट्रोल के लिए रिलायंस सबसे बेस्ट है। हम लोगों ने रास्ता चुना है छातापुर होके, क्योंकि जो राघोपुर वाला रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और ये रास्ता डायरेक्ट हम लोगों को त्रिवेणीगंज निकालेगा। और त्रिवेणीगंज से एक शॉर्टकट है जो डायरेक्ट पिपरा की तरफ निकलती है। तो गाइस अभी पहुँचे हैं हम लोग छातापुर, चाय की दुकान को ढूँढा जा रहा है। मेरे पीछे मेरी अम्मी बैठी हुई है। मौसम एक नंबर है यार, एक नंबर मौसम। साथ में मम्मी है इसीलिए थोड़ा गाड़ी भी स्लो चला रहे हैं। लेडीज को देख के पुलिस वाला पहले छोड़ देता है क्या हमें? अगर अभी आपने होते ना पक्का रोक लेता और मैं थंबनेल बन जाता कसम से। सोच रहे थे कि रोके समझे, हम सोच रहे थे गाइस कि रोके पुलिस वाला अगर रोकता ना तो थंबनेल बन जाता है यार। सेट लेडीज को देख के मोस्टली पुलिस वाले रोकते नहीं है और वैसे भी हेलमेट वगैरह है, तो चलिए फिर अच्छा ही हुआ जो हुआ। मधेपुरा में दो चीज़ बहुत फेमस है, एक तो मधेपुरा का मेडिकल कॉलेज और दूसरा मधेपुरा का रेल खाना। अगर मौका मिला तो आप लोगों को टूर अप करवाएंगे, दिखाएंगे आप लोगों को यहाँ का जो रेल खाना है नया जो बना है। अभी ये वाला रोड जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है और कहीं कहीं पर रोड अच्छे से बना हुआ है, कहीं कहीं पर नहीं बना हुआ है। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा राघोपुर से मधेपुरा आने में बहुत ज़्यादा आसान होगा, ये शॉर्टकट वॉर्टकट मारना नहीं पड़ेगा। कुछ साल और लग सकता है इसको पूरा तैयार होने में। वैसे ये रोड बहुत ज़्यादा चौड़ा किया गया है, चौड़ीकरण भी हुआ है रोड का और बहुत लोगों का मकान जो है नीचे चला गया है चौड़ीकरण होने के कारण। ये जो सामने आप देख रहे हैं इसी यूनिवर्सिटी से आपका भाई पास आउट है, ग्रेजुएशन BN मंडल BNMU। और यहाँ से जो हमारा डेस्टिनेशन है वो अप्रोक्स 1 किलोमीटर है, ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय TP कॉलेज मधेपुरा। मधेपुरा भी बहुत डेवलप हो गया है पहले से यार। और ये रहा पार्वती साइंस कॉलेज, आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा नीचे चला गया है लोगों का घर। ये जो रोड चौड़ीकरण हुआ है बहुत बहुत लोगों का घर नीचे चला गया है, देख सकते हैं कितना रोड से कितना नीचे चला गया है। तो चलिए फिलहाल हम अपने डेस्टिनेशन पे फाइनली पहुंच गए हैं और वीडियो के साथ बने रहिए, आगे आप लोगों को और भी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगा। अभी हम जा रहे हैं सहरसा की तरफ, कल पहुँचे थे मधेपुरा और थोड़ा थक गए थे तो इसलिए स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे निकले हैं सहरसा की तरफ। तो चलिए फिर बने रहिए वीडियो के साथ में। शायद कोई VVIP है, बहुत सारे कॉप्स
उनकी देखरेख में यहाँ पर दिख रहे हैं। ग्राफिक होने के बाद बाइक पे लोगों का रिएक्शन बहुत अल्टीमेट मिलता है। तो गाइस फिलहाल हम आए हैं सेफ्टी जोन, बहुत ही बेहतरीन शॉप खुला है यहाँ पर मधेपुरा में। आपको बाइक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएगी, जैसे बुलेट के लिए बहुत सारे एसेसरीज़ है और भी बहुत सारे बाइक के लिए आपको एसेसरीज यहाँ पर मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, चलिए आपको इनके एक और शॉप पे लेके चलते हैं जहाँ पर इनका नंबर प्लेट डिज़ाइन वगैरह होता है गोटी वाला, ठीक है। तो 3D प्लेट बोलते हैं हम लोग, 3D प्लेट, हाँ 3D प्लेट बोलते हैं। मतलब 3D बोले तो नंबर प्लेट जो है वो आपको उभरा रहेगा पूरा गोटी में। तो ये देख कुछ सैंपल्स वगैरह है यहाँ पर, वैसे देख सकते हैं सैंपल्स। और कार के लिए, अच्छा हाँ कार के लिए भी आपको नंबर प्लेट वगैरह सारा चीज़ डिज़ाइन हो जाएगा यहाँ पर, आप जैसा चाहें जिस फंट में चाहें आपको यह ये लोग आपको अवेलेबल करवा के देंगे। इसको लेजर कटिंग मशीन बोलते हैं, इससे हम लोग जो है 3D गोटी 3D प्लेट ये जो लेटर होता है ये सब हम लोग बनाते हैं इससे। आप देख सकते हैं इसमें ये जो है हमारे पास में नंबर प्लेट है फोर व्हीलर का, एक से एक नंबर प्लेट हमारे पास मिल जाएगा आपको डिजाइन। अच्छा, जो लोग अगर चाहेंगे घर बैठे अगर हम अपना नंबर प्लेट वगैरह बनवाएं तो आपसे कॉन्टेक्ट करके जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे पास व्हाट्सएप नंबर जो है वो भेज दीजिए, हाँ उसको डिजाइन बना करके व्हाट्सएप पे यहाँ से भेज देंगे। चलिए आपको इनका कॉन्टैक्ट हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है, आप इनसे कॉन्टैक्ट करिएगा और जैसा भी डिज़ाइन आपको सैंपल्स वगैरह भेजेंगे और आप इजीली इनसे कॉन्टैक्ट करके आप अपना। एक खास चीज़ हम आपको और दिखाते हैं, ये हमारे पास मोमेंटो भी बनता है, मोमेंटो का भी डिज़ाइन होता है, देखिए ट्रॉफी मोमेंटो ये सब जो बनता है ऑफिशियल ट्रॉफी होता है ये सब। अच्छा हाँ, सो क्या कहते हैं ट्रॉफी, उसको ट्रॉफी बोलते हैं, ट्रॉफी मोमेंटो। अच्छा अच्छा, गिफ्ट आइटम ये सब है, ये घर में इसको लगा सकते हैं, घर में लगाता है ये, आपको फुल हो गया इसको रवि चलाइए इसको, देखिए ये आपको ये जो है घर पे लगता है, देखने में बहुत सुंदर और नाइट में बहुत अच्छा व्यू आएगा इसका ना, रात का रात बहुत अच्छा लगेगा देखने में। डुअल कलर है रेड व्हाइट दोनों, ये सारा चीज़ अपने पास बनता है। हाँ, ये अगर कोई चाहेगा कि हम अपने से अलग से डिज़ाइन करवाएं कुछ कस्टमाइज, हाँ कस्टमाइज हो जाएगा इसमें, जो आप जैसा डिज़ाइन बोलिएगा हमको वैसा डिज़ाइन बना देंगे हम। चलिए बहुत अच्छी बात है फिर तो यार आप लोग मस्ट विजिट कर सकते हैं, ठीक है, इनका डिस्क्रिप्शन में आपको सारा चीज़ हम कॉन्टैक्ट डिटेल दे देंगे, आप इजीली इनसे व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मेरे थ्रू अगर कोई कस्टमर आते हैं इनके पास तो थोड़ा बहुत आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा और भैया बिल्कुल डिस्काउंट देंगे आपको, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा डिस्काउंट। तो चलिए फिर निकलते हैं यहाँ से सहरसा की तरफ और मस्ट विजिट करें सेफ्टी जोन। चलिए फिर सहरसा पहुँचना है, क्या ख़राब रोड है यार, शिट, पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा अगर रोड कहीं का ख़राब है ना तो वो है मधेपुरा टू सहरसा, बहुत ख़राब रास्ता है यार, बहुत ही ज़्यादा ख़राब रास्ता है। मधेपुरा से सहरसा का डिस्टेंस समथिंग 18 किलोमीटर होगा, ठीक है, 18 टू 20 किलोमीटर होगा, लेकिन इस 18 से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस को कंप्लीट करने में आपको एक से डेढ़ घंटा लग जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ रोड का हालत बहुत ही ज़्यादा रद्दी है। तो आप देख ही सकते हैं, ओ भाई 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 क्या रोड है यार,
फिलहाल पुलिस वाले ने रोका है। आप गिरेंगे, हम गिरेंगे, हम खुद मर गए, हम क्या इलाज कराएंगे दूसरे को। बहुत कोऑपरेटिव है यहाँ के पुलिस वाले, बहुत कोऑपरेटिव है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो वाकई में बहुत कोऑपरेटिव थे, वैसे बहुत यंग थे। बैजनाथपुर पुलिस कोऑपरेटिव थे बहुत, वैसे ऑल अपग्रेड होके हम निकले थे घर से लाइसेंस के साथ, तो ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। और वैसे पूछ भी रहते ये क्या चीज़ है कैमरा को देखकर, तो मैंने कहा कि ये ब्लॉगिंग कैमरा है, ब्लॉगिंग करते हैं यूट्यूब पे मोटो ब्लॉग, तो बोले अच्छा 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 हाँ हाँ हाँ। वाकई में बहुत कोऑपरेटिव, बहुत हम्बल थे, थैंक यू सो मच बैजनाथपुर पुलिस। तो आप लोग हेलमेट वगैरह बिल्कुल वेयर करें सेफ्टी के लिए। और अभी वैसे चेक इन्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा हो रहा है बिकॉज ऑफ अभी इलेक्शंस का समय नज़दीक आ रहा है, इसी के कारण चेक इन्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा है। ज़रूरी नहीं है कि चेक इन्स के टाइम ही आप लोग हेलमेट पहने, आप लोग जब भी बाइक चलाएं भाई हेलमेट वेयर करें। तो फाइनली गाइज हम पहुंच गए हैं सहरसा, सहरसा के सहरसा बस्ती, और कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम जहां आए हैं वो एक्चुअल एड्रेस आपको नहीं बता सकते हैं। बने रहिए वीडियो के साथ में, अभी वीडियो का एंड अप नहीं हुआ है वैसे। चलो इट्स टाइम टू लीव सहरसा और बैक टू मधेपुरा हो रहे हैं। ये तू जा रहे जा रहे, अरे चाबी कहाँ है, जा रहे भूसरा भूसरा शर्मा रही है। चलिए फिर निकलते हैं। क्या देखिए क्या दे रही है, अरे देना जरूरी है, ये सब सीन काटना पड़ेगा हमको, पैसा वैसा देने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। शाम हो गया है, चलिए फिर निकलते हैं। ये जो झोला देख रहे हैं संदेशा मिला है खाला की तरफ से, आई मीन मासी की तरफ से। तो फाइनली गाइज हम पहुंच गए हैं मधेपुरा, और यार क्या ही बताऊं, मधेपुरा से सहरसा का रास्ता अल्लाह बचाए। यार एक चीज़ से बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, एक भी अच्छा रोड मधेपुरा ज़िला को नहीं जोड़ती है, एक भी अच्छा रोड, हालत ख़राब हो गया एकदम, पूरा धूल मिट्टी हो गया है। और ये है मधेपुरा का मेन मार्केट जिधर से हम अभी गुजर रहे हैं, और शाम का माहौल है इसीलिए कुछ ज़्यादा ही चमचमाहट है मार्केट में। और यार मधेपुरा से जो भी लोग देख रहे हैं मेरे वीडियो को, मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले यार। और गाइज अभी हम गुजर रहे हैं मस्जिद चौक, जगह का नाम है मस्जिद चौक। मुझे याद है यार जब मैं छोटा था तो यहीं पर आकर नमाज अदा करता था, अभी भी नमाज अदा करते हैं, जब मधेपुरा आते हैं तो नमाज यहीं पर अदा होता है हम लोगों का। इस मस्जिद से बचपन की यादें जुड़ी हैं।
तो गाइज अभी हम आए हैं चौका रेस्टोरेंट और यहाँ पे मधेपुरा के एक यूट्यूबर है, ठीक है, कामरान नाम है उनका, और उससे मिलने आए हैं। तो चलिए फ़ोन लगाते हैं उसको, शायद वो पहुँचे कि नहीं पहुँचे हैं। चलिए फिर कॉल करते हैं उसको। इसी लोकेशन पे बुलाया था वो यार, यही है ना? हाँ, चौका। चलिए, हेलो कामरान। हाँ हेलो। हाँ कहाँ हो भाई? अरे आपको यहाँ से नीचे से जो लिफ्ट होगी ना वहाँ से ऊपर आ जाओ, ठीक है? मैं अच्छा चाहिए, चौका रेस्टोरेंट ना पहुँच गए हम यहाँ पे। हाँ, चौका रेस्टोरेंट। कौन से फ्लोर पे? थर्ड फ्लोर पे। आपको वहाँ पे ये लिफ्ट पे रहता है एक बंदा, वो हाँ आपको ऊपर ले आएगा, ठीक है? चलो चलो, आ रहे बस पहुँच ही गए हैं। बस बस ओके ओके पहुँच गए। चलो थर्ड फ्लोर। यूट्यूब का? हाँ भाई, हाँ यूट्यूब। चलिए पहुंच गए हैं थर्ड फ्लोर पे और इसी फ्लोर पे है काम का, शायद एंट्रेंस यही है। कामरान। हाँ हेलो, क्या हाल है? क्या हाल है? बहुत बढ़िया। और बढ़िया बढ़िया। अच्छा चलिए, बैठिए बैठिए आप। अभी हम आए हैं चौका रेस्टोरेंट और सामने हमारे एक भाई हैं कामरान, और इनका भी यूट्यूब पे एक चैनल है। तो मैं हूँ डिम्पल बॉय कामरान, और मैं ज़्यादातर ब्लॉग शूट करता हूँ, और जहाँ भी जाता हूँ जो भी अच्छा चीज़ देखता हूँ तो उसको शूट करके मैं चाहता हूँ कि लोगों तक पहुँचे, और ज़्यादातर इंफॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं मेरा, ठीक है? तो अभी मैं आया हूँ चौका रेस्टोरेंट, और मुझे ये मिले विक्की भाई, ठीक है? और ये जो ये मैं इसका हमेशा वीडियोस वगैरह देखता हूँ। इससे जो लास्ट टाइम इसने बनाया था एक्स ड्रैग का, तो सेम चीज़ मैंने भी बनाया था यहाँ मधेपुरा में, और ये दोनों इवेंट एक फॉरबिसगंज में हुआ था और एक मधेपुरा में हुआ था, तो इसलिए इससे मैं इन्हें अच्छे से जान गया, ठीक है? हाँ जी, और हाँ जी। ये मिले और मैं इनसे बहुत ही इंस्पायर्ड हुआ, और मुझे इससे बहुत सारा मोटिवेशनल चीज़ मिला, बिल्कुल, ठीक है, सीखने के लिए मुझे इनसे और इन्हें मुझसे दोनों को और यही बहुत सारी ज्ञान की बातें हुई हम दोनों, ठीक है? तो हम लोगों ने एक मीटिंग फिक्स की कि हमें मिलना चाहिए, तो अभी मैं आया हूँ चौका रेस्टोरेंट। थैंक यू सो मच यार कॉफ़ी के लिए। इसकी कोई बात नहीं है, और मतलब भाई के चैनल को विजिट करें यार, डिस्क्रिप्शन में भाई का चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप लोग को अगर मधेपुरा आना हो तो जरूर मुझसे मिले, और मैं आप लोग को जरूर चौका रेस्टोरेंट में लेके आऊंगा, ठीक है? चलिए फिर चिल आउट करते हैं भाई के साथ, कॉफी पिया जाए। गाइस मीटअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, और हमारे साथ कामरान है, कुछ दूर तक चलेगा हमारे साथ में, और अच्छा लगा वैसे मिल के, बहुत अच्छा लगा। मेरा घर भी घर भी पूरा इधर ही है, तो मैं सोचा क्यों नहीं मैं भी चलूंगा। हां एकदम एकदम। चलो तो गाइज इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं, और इस बार वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा बना है, और फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मेक श्योर कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, और यार आप लोग देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा मेहनत कर रहा है आपका भाई, तो यार इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, तो फिर बाय बाय।